हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जिसमें हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और एक दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। मेरे ओपीडी में काफ़ी सारे लोग जो आते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा कॉमनली एक बीमारी जो दिखाई देती है वो है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, चिंता की बीमारी। और ये जो लोग हैं, ये जो पेशेंट्स हैं, इनको छोटी छोटी बात के ऊपर चिंता आती रहती है, और वो चिंता हर क्षेत्र में है। मतलब उनको बच्चे की पढ़ाई होंगी कि नहीं, आज का दिन कैसा जाएगा, यदि लेडी है तो आज का खाना मैं पका सकूँगी कि नहीं सकूँगी, या मैं काम पे जा सकूंगा कि नहीं जा सकूंगा, वहाँ काम पे जाऊंगा तो बॉस मुझे कोई तकलीफ देगा क्या, मेरा काम अच्छे से होगा क्या। मतलब ऐसा हर बात बात में चिंता है। पैसे के बारे में चिंता है, रिश्तों के बारे में चिंता है, दोस्त लोग हैं उनके साथ में व्यवहार कैसे करेंगे उसके बारे में चिंता है, जहाँ काम करते हैं वहाँ उसकी जगह भी चिंता है, हेल्थ के बारे में चिंता है कि भाई मेरी हेल्थ कैसी होंगी, मेरे संबंध कैसे रहेंगे, फिर फ्यूचर के बारे में चिंता है, भविष्य में क्या होगा। ऐसी बात बात में, छोटी छोटी बात में भी उनको चिंता लगी रहती है, और उनको रोज का जीवन जीना जो है, दैनंदिन जीवन, उसमें उनको तकलीफ जाती रहती है। ये यदि लक्षण 6 महीने तक दिखाई देते हैं, और बहुत दिन, 6 महीने में से बहुत सारे दिन ये दिखाई देते हैं, काफ़ी दिन तक, तो हम समझ सकते हैं कि इसको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। और मैं जो अभी लक्षण बता रहा हूँ, वो 6 में से कम 3 लक्षण होना जरूरी है 6 महीने के लिए, और 6 महीने मतलब 6 महीने में से काफ़ी सारे दिन, तो ये लक्षण दिखना जरूरी है। तो सबसे पहला लक्षण क्या है, 1 नंबर का, वो है बेचैन। ये लोग बहुत बेचैन रहते हैं, रेस्टलेसनेस। फिर दूसरा जो रहता है वो जल्दी थकान आना, इजी फटिकेबिलिटी, जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा काम किया कि थक जाएंगे, उनको उत्साह कम रहता है और जल्दी थक जाते हैं। तीसरा है कि एक जगह पे मन केंद्रित नहीं कर सकना, कंसंट्रेशन इशू, या ऐसा लगता है उनको कि अपना माइंड जो है वो ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, अपना मन ब्लैंक हो गया, ऐसा होता है। फिर चौथा है कि इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात के ऊपर वो गुस्सा करेंगे, चिढ़ेंगे। पांचवा होता है कि मांसपेशियाँ जो है, मसल्स, उसमें टेंशन रहता है, फिर दर्द होता है, तो मांसपेशियों में तनाव, दर्द। और छठवां होता है जल्दी नींद नहीं आना, या नींद आ गई तो ऐसी बहुत शैलो स्लीप, उकड़ी उकड़ी सी नींद लगना, या जल्दी नींद खुल जाना, या जल्दी फ्रेश नींद नहीं, मतलब फ्रेश नहीं लगना नींद के बाद में, ऐसा होता है। ये लोगों को हर चीज़ में चिंता है। स्त्री और पुरुष, इसका रेशियो देखा तो 2 स्त्री के पीछे 1 पुरुष को ये बीमारी दिखाई देती है। दैनंदिन जीवन में तनाव है, जैसा मैंने पहले बताया कि नौकरी, धंधा, रिश्ते, सब जगह है। और ये जो लक्षण है, ये लक्षण यदि शराब से होते हैं तो फिर जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये नहीं है। शराब, कैनाबिस, या कोई मेडिसिन ले रहे, या थायराइड की बीमारी है, तो ऐसे कोई यदि बीमारी लोगों को है तो फिर ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बीमारी नहीं है, फिर वो अलग ही है, उसको देखना पड़ेगा। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT बोलते हैं उसको, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसका जिक्र अभी डिटेल में करना मुश्किल है। कोई हम दवाई देते हैं एंग्जियोलाइटिक्स, जिससे एंग्जाइटी कम होती है, वो दवाइयाँ हैं। रिलैक्सेशन थेरेपी है, जिसमें मैं हेट्रो हिप्नोटिज्म करता हूँ, मतलब मैं हिप्नोटाइज करता हूँ, और हिप्नोटाइज करके उनको, रिलैक्सेशन करके उनको विजुलाइज करने के लिए बोलता हूँ, और जहाँ जहाँ उनको तनाव रहता है वहाँ वहाँ विजुलाइज करके वो रिलैक्स रह रहे, ऐसे उनको सूचनाएँ देता हूँ। फिर हेट्रो हिप्नोटिज्म के बाद में सेल्फ हिप्नोटिज्म भी है, खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करना, स्वसम्मोहन, और उसके माध्यम से भी इसका इलाज होता है। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होता है कि भाई उनको ये हम काउंसलिंग करते हैं कि भाई ऐसा टेंशन का कारण क्या है, क्या होगा, टेंशन है क्यों, अच्छा वर्स कम वर्स क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, इतनी चिंता क्यों है, किस बात की चिंता है आपको, हरदम जो फेलियर की चिंता लगी रहती है, कुछ तभी कम ज़्यादा हो जाएगा उसकी चिंता रहती है, मतलब होगा क्या, कि
क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, तो इसके बारे में चर्चा होती है। तो उनको ये समझ में आता है कि नहीं, मैं जो चिंता करता हूँ खामोखा चिंता करता हूँ। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और रिलैक्सेशन थेरेपी से बहुत फ़ायदा होता है, तुरंत यदि चाहिए तो मेडिसिन लिया तो उससे भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। आपके संपर्क में काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये बीमारी होंगी या जिनको ऐसी तकलीफ होंगी, मगर वो डॉक्टर के पास में जाते नहीं होंगे, साइकेट्रिस्ट के पास में जाते नहीं होते। लोगों को लगता कि भाई मैं क्या पागल हो गया, मैंने क्यों जाना साइकेट्रिस्ट के पास में। तो कोई पागल नहीं हुए, मगर उनका दैनंदिन जीवन जो है ना वो तकलीफ देह हो गया है। दैनंदिन जीवन में उनको प्रॉब्लम है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो ये लोगों को यदि आप उनको इन्फॉर्म करते बताते हैं तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। और हमारा जो मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका हाथ लग जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वायरल करो, शेयर करो ये वीडियो, आप सब्सक्राइब करो, घंटी के ऊपर प्रेस करके आप उसको लाइक करो, और घंटी के ऊपर आप प्रेस करेंगे तो मेरा इंटीमेशन जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएंगे और मेरे वीडियो आप सबसे पहले देख सकोगे। आपके फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर आप शेयर करो, और ये जो कार्य हमने लिया है उसमें आपका भी हाथ लगाओ। थैंक यू वेरी मच।